क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास के अंदर हमने खाली एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करा था, आज की क्लास के अंदर हम बाकी मेथड भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिक्कत है बताओ। फर्स्ट की इसकी थर्ड एंट्री, ये वाली एंट्री थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 चलो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर समझा देता हूँ आपको पढ़कर। कहता है गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इन टू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर। पहले साल लॉस दे रखा है, फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट द फर्म हैड गेन, यानी प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट वॉज क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट हमने उसमें जोड़ दिया था। ऐसा करो, इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग डालो, इस क्वेश्चन को भी एडजस्टमेंट के साथ समझाऊंगा मैं, क्योंकि एडजस्टमेंट समझाऊंगा ना तो इस क्वेश्चन को समझने में फिर आसानी रहेगी हमें। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत किसी स्टूडेंट को, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे कुछ क्वेश्चन को पेंडिंग डाला था उनको छोड़कर, पेंडिंग वाले क्वेश्चन को छोड़कर? सर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 ऑन 1 अप्रैल 2019। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। और एक खास बात क्या है क्वेश्चन के अंदर, आफ्टर अलाइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, वो प्रॉफिट होना चाहिए पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन देने के बाद। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वो प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी देने के बाद होना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ और प्रॉफिट टू बी वेट्स, इनके वेट दे रखे हैं 1, 2, 3। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, जो बड़ा वेट है ना 3, वो लास्ट ईयर को जाएगा। यानी इस तरह से 1, 2, 3 जो है सबसे लास्ट ईयर के सामने लिखना। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ना वो दे रखा है बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। कितना है? 2 लाख है, 2,30 है और 2,50 है। और द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का पैसा निकालो। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। एक तो दे रखे हैं आपको इयर्स, इयर्स है बेटा 16-17, 17-18, 18-19, 2016-17, 2017-18, 2018-19। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरी। प्रॉफिट बिफोर सैलरी है 2,00,000, 2,30,000 और 2,50,000, 2 लाख, 2,30,000 और 2,50,000। और फिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, नब्बे हजार दे रखा है हर साल का। फिर निकालेंगे आप प्रॉफिट्स आफ्टर, जो प्रॉफिट था ना ये बिफोर रेम्यूनरेशन था सैलरी देने से पहले, अब हमें निकालना है आफ्टर रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन है कितना? 90,000 रुपए। 2 लाख में से 90,000 आ गए, 1,10,000 बचे,
230 में से 90 गए, 1,40,000 बचे। 250 में से 90 गए, 1,60,000 बचे। और फिर आपको दे रखे वेट्स 1, 2, 3, और जो ग्रेटेस्ट वेट है ना वो देना है लास्ट ईयर को, यानी 3 देना है इसको, तो 1 इसका और 2 इसका। अगर इसको एक्स माने और इसको डब्ल्यू माने तो डब्ल्यू एक्स निकालिए। 1,10,000 की 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,40 की 2 में करेंगे तो 2,80, और 1 इसकी में 4,80। सिग्मा डब्ल्यू एक्स और ये सिग्मा डब्ल्यू, 1,10, 2,80, 4,80, 8,70,000 तो ये आ गए और 6 ये आ गए। आप निकालें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स एक्स बार डब्ल्यू, यानी वेटेड मीन सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, 8,70,000 तो डिवाइड कर दो 6 से, 1,45,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर, कितने इयर्स परचेज है भाई? 2 इयर्स परचेज है, तो निकाल लीजिए गुडविल। गुडविल होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, 1,45,000 2 इयर्स परचेज दे रखा है हमें, 2,90,000 बेटा आंसर आ गया। समझ में आया बेटा सभी के? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन। सर 15 15 दिया था मैंने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60-40। देखो भाई 60-40 का हो या 6:4 का हो या 2 के बाड़े से काट दो 3:2 का हो, बात एक ही है। 60-40 हो या 6:4 कह दो या 2 से और काट 2 के बाड़े में पढ़ दो 3:2 कह दो, बात एक ही है। 3:2 का रेशियो है इसका मतलब है इनका, तो इनका रेशियो है एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स 4 साल They have been getting annual salary of 50,000 and 40,000 respectively. 4 साल से वो 50,000 की और 40,000 की सैलरी भी उठा रहे थे। The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salaries. और अकाउंट जो है वो शो कर रहे हैं, और ये जो प्रॉफिट है ना ये है बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज, ये प्रॉफिट सैलरी देने से पहले है। कितने हैं जी? 2017 का 1,40,000 है, 2018 का 1,01,000 है, 2019 का 1,30,000 है, ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी है। तो देखो एक पार्टनर की है 50, दूसरे की है 40, दोनों की मिला के कुल होगी 90,000 रुपये, क्योंकि एनुअल सैलरी है तो 90,000 है। ऑन 1 अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर जीनू आ रहा है 1/4 के लिए इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, प्रॉफिट लेगा सैलरी नहीं मिलेगी उसे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज्ड, गुडविल 4 इयर्स परचेज है,
of the weighted average profit of the last 3 years. 3 साल के average profit का 4 years purchase. तो average को निकालेंगे 3 साल का और बाद में 4 से multiply होगी. After partner salaries, but जो profit average profit निकालेंगे ना वो partner salary के बाद होना चाहिए. और उनके वेट से 1, 2, 3 जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन करा था ना बिल्कुल वैसा ही होगा. पहले आप लिख देना प्रॉफिट बिफोर सैलरी, फिर तीनों प्रॉफिट में से 90,000 माइनस कर देना तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, फिर वेट से मल्टीप्लाई कर कर लेंगे. बेटा हो जाएगा क्वेश्चन ही वाला? अब सर हो, इसका आंसर नहीं आ रहा. इसका आंसर कितना आ रहा है सर? हमारा इसका आंसर कितना आ रहा बेटा? और कोई सा स्टूडेंट जिसका इसका आंसर आ गया हो? 56 आ रहा है आपका. और कोई सा स्टूडेंट है जिसका आंसर आ गया हो इस 15वें क्वेश्चन का? सर हाँ बेटा. सर ये जो 14 क्वेश्चन था इसमें तो जो ये दे रखे थे हमें ईयर और ये सैलरीज वगैरह दे रखी थी प्रॉफिट. हाँ तो ये तो आफ्टर सैलरी के बाद था, लेकिन जो ये 15 है ये तो सैलरी से पहले का ही दे रखा है ना, तो सैलरी क्यों माइनस करेंगे? जस्ट मिनट रुको. 14 क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरीज था, पहले भी वो था. पहले 14 पर आ गई आप. आफ्टर अलाउइंग रिमुनरेशन है ना 14 में, तो सैलरी पहले. आप जो है गलत पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े हैं आप. यहाँ से पढ़े नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. जो भी प्रॉफिट है ये सैलरी से पहले है कि बाद में, ये बताओ. ये प्रॉफिट जो है सैलरी से पहले है, पहली बात तो है ना. और गुडविल निकाली जाएगी आफ्टर सैलरी. अब ऊपर के वाली लाइन पर आ जाओ. फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड. अब इस वाली लाइन पर आओ, दूसरी लाइन पर. के फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. प्रॉफिट तो दे रखा है हमें बिफोर रेम्यूनरेशन, बट गुडविल निकालनी है आफ्टर रेम्यूनरेशन. दैट्स वाई हमने रेम्यूनरेशन माइनस करा. क्लियर है? हाँ. अब आ जाओ 15 पर. 15 पर पहले प्रॉफिट देखो कौन से गिवन है हमें. कह रहा है यहां से द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज. जो प्रॉफिट गिवन है ये हमें सैलरी देने से पहले वाले गिवन है. क्लियर है? अब आ जाओ नीचे गुडविल की कैलकुलेशन पर. ऑन 1 अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी. अब देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरीज. गुडविल कैलकुलेट करनी है आफ्टर सैलरी वाले प्रॉफिट से. इस वजह से हम पहले प्रॉफिट में से सैलरी घटाएंगे. कोई सा ऐसा बच्चा ऐसा है जिसका आंसर इसका क्वेश्चन का आ गया हो? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. यहां पर इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में कर रहा हूं, मतलब हम वैसे भी कर सकते हैं जैसा भी करा था, और मैं अलग वे में करता हूं. चलो इस क्वेश्चन को तो दो तरीके से किया जा सकता है. हमने लिख लिया यहां पर सबसे पहले इयर्स. इयर्स है हमारे 17, 18, 19. 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, ऐसे भी कर सकते हैं आप. फिर हमें दे रखे हैं प्रॉफिट बिफोर सैलरी, सैलरी से पहले वाले प्रॉफिट 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 लेस सैलरी. दोनों की मिला के 90,000 सैलरी थी. एक 40 में से 90 गए 50 बचे, 1,51,000 में 90 गए 11,000 बचे, 31 में से 90 गए 40 बचे. ये आ गया
प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, इसको मान लिया हमने एक्स, फिर गिवन है हमें वेट्स 1, 2, 3 शायद यही वेट्स है हमें, हाँ इसको मान लिया हमने डब्लू, अब निकालो डब्लू एक्स। 50,000 की एक में करी 50,000 ही आया, 11 की दो में करी 22,000 आ गया, 40 की तीन में करी 1,20,000 आ गया। ये हो गया 6, और ये कितना हो गया भैया 50, 22, 120, 1,92,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, 1,92,000 अपॉन 6, 32,000 आ गया। गुडविल कितने इयर्स परचेज है भैया? 4 इयर्स परचेज है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 4 से गुणा कर देंगे बेटा, 1,28,000 आंसर आ गया। अब सही है, समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों? नहीं आया? यस सर। आ गया बेटा, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी। और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? मैंने लगभग 20 तक क्वेश्चन दिए थे, बीच में कुछ क्वेश्चंस को मना कर दिया था। ये 16वां दिया था मैंने क्या? नो सर। 16वां ने 17वां दिया था? यस सर। हो गया ये? यस सर हो गया। ठीक है सर, 18 नहीं हुआ। हाँ, जिन बच्चों के घर में शोर नहीं मच रहा वो अपना माइक ऑन रख सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल सुकून के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं ना, घर में शोर शराबा नहीं आ रहा कहीं से, वो अपना माइक ऑन करके मुझसे साथ साथ क्वेश्चन में के क्वेश्चन कराते थ्रू कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है अगर, तो वो अपना माइक ऑफ रखे, और वो तभी ऑन करे माइक जब उसको कुछ पूछना हो। कौन सा क्वेश्चन बताना है बेटा और बताओ? सर 18। 18 18th में आ रही है। मनवीर एंड निमरत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनाहत ऑन 1 अप्रैल। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। 3 इयर्स एवरेज लेंगे, 3 इयर्स परचेज लेंगे, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का। वेट्स असाइन टू द ईच ईयर इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वेट्स गिवन है आपको 1 से लेकर 5 तक गिवन है रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2015-19, ये जो 1 से लेकर 5 तक के वेट है, 15 से 19 तक के वेट है। द प्रॉफिट ऑफ दीज ईयर्स वर 70, 141, 1,61,165। अच्छा, स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये भी पेंडिंग डाल दो बेटा, अभी मैं एडजस्टमेंट के साथ बताऊंगा। इसके अलावा बताओ, इसमें जिस जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ रही है तो एडजस्टमेंट को इकट्ठा डिस्कस करूंगा सारे तीनों मेथड बताने के बाद। और बताएं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, या आगे चलें? चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड।
क्या होता है सुपर प्रॉफिट? देखो बेटा, सुपर का मतलब क्या होता है बच्चों? सुपर का मतलब होता है, मैं इसका एस मिटा रहा हूं, सुपर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर को बोलते हैं सुपर। नॉर्मल से ऊपर होता है सुपर, जो सुपरमैन होता है वो कहां उड़ता है? नीचे उड़ता है कि ऊपर उड़ता है? जी वो तो ऊपर उड़ता है, तो इसलिए सुपर का मतलब होता है ऊपर। ऊपर का होने वाला प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अबव नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होने वाला प्रॉफिट। अब सुनो, हमने कहा कि हम एक दुकान खोलेंगे, दुकान खोलेंगे और दुकान खोलेंगे काहे की? जी हम दुकान खोलेंगे काहे की, काहे की? हम दुकान खोलेंगे हलवाई की, समोसों की दुकान खोलेंगे, समोसे बनाएंगे हम, समोसा, समोसे की दुकान खोलेंगे हम। और हमने समोसे की दुकान के बारे में थोड़ी रिसर्च करी कि समोसे की दुकान में कितने पैसे लगाओ तो कितने कमाते हैं। बच्चों हर इंडस्ट्री का एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? एक दो तीन सिंगल फर्म और सभी फर्म्स के कलेक्शन को बोलते हैं इंडस्ट्री। तो जो समोसे की इंडस्ट्री है मान लो, उसका रेट ऑफ रिटर्न 20% है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अर्निंग। हर बिजनेस का एक रेट ऑफ अर्निंग होता है। मान लो समोसे के बिजनेस का रेट ऑफ अर्निंग 20% है, इसका मतलब इस बिजनेस में जितने लगाओगे तो 20% कमाओगे। अगर 1,00,000 रुपए लगाओगे तो 1,00,000 का 20% 20,000 कमाओगे, और अगर इस बिजनेस में 2,00,000 रुपए लगाओगे तो उसका 20% 40,000 रुपए कमाओगे। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि नॉर्मली इतने तो कमाते कमाते हैं। मैं खोलूंगा समोसे की दुकान तब भी 20% कमाऊंगा, और आप खोलोगे समोसे की दुकान तब भी 20% कमाओगे। तो अगर हम बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग 20% के थ्रू कितना कमाएंगे हम? 20,000 रुपए कमा लेंगे। तो अगर हम 1,00,000 रुपए लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग 20,000 रुपए हम कमा लेंगे। लेकिन एक समोसे वाला ऐसा है जो 1,00,000 रुपए लगाकर 20 नहीं बल्कि 35,000 रुपए कमा लेगा, ज्यादा कमा लेगा हमसे। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर हमने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाए हैं तो उसका 20% हम 20,000 रुपए कमाएंगे। बट एक समोसे वाला है जिसके समोसे ज्यादा बिकते हैं, ब्रह्मपुरी में 2-3 समोसे वाले हैं। एक तो वो है, कौन कौन, नाम बताना जरा कौन कौन है। एक तो गोस्वामी है, जो गली नंबर 3 पर है, तुमने खाए होंगे समोसे उसके। एक रतनलाल है समोसे वाला, रतनलाल समोसे वाला, वो कहां पर है? वो शिव मंदिर के पास है, पता नहीं शिव मंदिर के पास है कहां पर है, उधर वो मोनी बाबा मंदिर के पास है वो। बट ये इन लोगों के समोसे ज्यादा बिकते हैं। ये लोग अगर बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाएंगे तो ये सिर्फ 20,000 नहीं कमाएंगे, इनकी गुडविल है तो ये 35,000 रुपए कमा लेंगे। तो इन्होंने, हमने तो लगाए 1,00,000 रुपए और कमाए खाली 20,000 रुपए, इन्होंने लगाए 1,00,000 रुपए और इनकी गुडविल है, इनके समोसे ज्यादा बिके, इन्होंने कमा लिए 35,000 रुपए। इन्होंने हमसे ज्यादा कितने कमा लिए? तो जी इन्होंने हमसे ज्यादा कमा ली थी 15,000 रुपए। बेटा ये सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो गुडविल की वजह से कमाया जाता है, कि अगर आपकी गुडविल है तो आपको सुपर प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी गुडविल नहीं है तो आपको सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना कमाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जो होती है हमारी, वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं वो हम सीख रहे हैं। हमारा है जी अब सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में
पहला स्टेप है हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में जितना हमने कैपिटल लगा रखा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ अर्निंग से, जो हमें रेट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन में दी हुई होती है कि हम कितना परसेंट कमाएंगे, अपॉन 100। यानी एक तरह से हो गया 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख लिख देंगे। रेट ऑफ अर्निंग अगर 20% है तो 20/100 कर देंगे उसका, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपका, फिर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट, तो जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा था उसमें से नॉर्मल वाला माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरा स्टेप है कि हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल में हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। बस इतना सा मेथड है हमारा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इस तरह से निकालते हैं। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा बोलो 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 बेटा। दीदी बेटा तो क्लास ज्वाइन करो ना, 5:30 बजे से क्लास की, क्लास में नहीं आए आप, जल्दी आओ। नहीं ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, वाली भी देखते रहो, वाली भी देखते रहो साथ साथ, वरना पता लगा ये वाली पेंडिंग चली गई। अब इसको भी साथ लेके चलो, उसको भी साथ लेके चलो, ठीक है? सुपर प्रॉफिट मेथड पर हम आ गए। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई द फर्म 80,000। ऑलरेडी हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एक फर्म में एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। यह भी नहीं करना, ये कहां से एडजस्टमेंट के पॉइंट उन्होंने डाल दी है, पेंडिंग डाल दिया क्वेश्चन में 21-22 पर आ जाओ। गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। गुप्ता और बॉस की एक फर्म है जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए लगा रखे हैं। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, और ऑन एन एवरेज इनका प्रॉफिट हुआ है 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का वो है 15%, यानी इनका रेट ऑफ अर्निंग 15% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज। गुडविल 4 इयर्स परचेज है। ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कैपिटल, हमें 2-3 पॉइंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, रेट ऑफ अर्निंग 15% है, और ईयर्स परचेज है आपका 4 इयर्स परचेज। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ अर्निंग अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां 50,000 है, रेट ऑफ अर्निंग 15 है, और ये 100 आपका नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 आ गया। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनका 16,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 है,
8,500 इनका सुपर प्रॉफिट आ गया। और फिर है गुडविल, गुडविल है इनकी, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट जो है वो है 8,500 और नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस है 4। बेटा 34,000 रुपये आ गया ये। बेटा क्वेश्चन समझ में आया है सभी को? किसी को क्यों प्रॉब्लम हो? क्लियर है बिल्कुल? यस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज 1 लाख। इनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। जो भी परसेंटेज दे रखी हो ना तो वो रेट ऑफ अर्निंग होती है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैलिड 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल। जल्दी से करके दिखाओ मुझे वाला क्वेश्चन अभी क्लास वर्क में, देखता हूँ कौन पहले करता है। और प्रॉपरली करना है, रफली नहीं करना, थोड़ा सा प्रॉपरली करना है। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से करके दिखाएं मुझे, आई एम वेटिंग। सर हो गया। जो भी आंसर आ गया 42,000। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और किसका आंसर आया बेटा जल्दी से? सर मेरा आ गया। वेरी गुड। सर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ गया, मजा आ गया भाई, क्या बात है। इस बार के बच्चे मेरा भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी से कभी आ ही जाएगा, आसान क्वेश्चन है। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है राकेश एंड अशोक अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, दे एम्प्लॉयड कैपिटल 25,000 इन द फर्म। तो इनका जो एवरेज प्रॉफिट मानेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट 5,000 है और इन्होंने पैसा लगा रखा है 25,000, इनके कैपिटल एम्प्लॉयड है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ये इनका रेट ऑफ अर्निंग है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। बेटा ये क्वेश्चन भी आप घर से कर लेंगे 24वां। 25वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 25वें में कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म इज 36,000 पर ईयर। इनका एवरेज प्रॉफिट है ये, एवरेज नेट प्रॉफिट। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। और कैपिटल कितना लगा रखा है इन्होंने? 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, रेट ऑफ अर्निंग इनका 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, देखो मेन बात है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। तो आप क्या करेंगे, आप 36,000 में से 6,000 घटा देंगे और आप एवरेज प्रॉफिट जो लेंगे वो 30,000 लेंगे। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है,
जब भी रेमुनरेशन वगैरह गिवन होता है ना तो उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो जब आप क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे वो 30,000 का करेंगे। ये जो आपका इसका गुडविल वाले चैप्टर का पीडीएफ मैं अभी शाम तक एडिट वगैरह कर कर पूरी तरह से डाल दूंगा, तो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जिनके पास किताब है अच्छी बात है, जिनके पास किताब नहीं वो पीडीएफ में से कर लेना क्वेश्चन। सर जी लेकिन इसमें तो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हम माइनस क्यों करेंगे 6,000? यस ये क्योंकि ना 6,000 जो है नेट प्रॉफिट है, तो 6,000 एप्रोप्रिएशन है ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं कि नेट प्रॉफिट में से आपने सभी एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखे हो, क्लियर है? ओके ओके। हाँ अगर कोई सैलरी वैलरी होती कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो उसको हम माइनस अज्यूम करते कि ये ऑलरेडी डिडक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। अच्छा बेटा एक बात और बताओ मुझे, जैसे सभी लोग मुझे देखे वो एक जनरल ओपिनियन दो कि इस टाइम लॉकडाउन के अंदर ज्यादातर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, बाकी सारे टीचर्स आपके दूसरे स्कूल वाले भी ज्यादातर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाने में जिस तरह से आप मुझसे पढ़ते हो वो एक्सपीरियंस कैसा है, और जो बाकी टीचर से पढ़ते हो उसके कंपेरिजन में मेरा एक्सपीरियंस बताओ। सर बाकियों ने लाइव के नाम पे वो ऐप जो है ना वो करवाए हुए हैं लॉन्च, तो उस ऐप पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो आती है और पर्टिकुलर टाइम पे वो हट जाती है। अच्छा और वो इस तरह से भी नहीं आती होगी जिस तरह से भी इस तरह से ये मेरे पास तो टच वाला लैपटॉप है उसके थ्रू पढ़ाता हूँ मैं। हो सकता है वो व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग भेजते हो। हाँ हाँ तो व्हाइट बोर्ड भी इतना मजा नहीं आता जितना मजा बेटा इस तरह से पढ़ने में आता है मोबाइल पे, इस तरह से क्लियर नजर आते हैं टेक्स्ट वगैरह क्लियर नजर आता है। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स एंडेड 31 मार्च आर एज फॉलोज। आपको 3 साल का प्रॉफिट क्या बने 17,000, 20,000 और 23,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड इज ₹80,000। कैपिटल 80,000 लगा रखा है इन्होंने। अब देखो भाई यहाँ पर ना आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बल्कि एवरेज प्रॉफिट आपको खुद निकालना है क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो भाई 17,000 + 20,000 + 23,000 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गया 60,000, एवरेज आया 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ जो यूज करना है आपको वो 20,000 यूज करना है। जब भी आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखे हो तो एवरेज खुद निकालना है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द ईयर 80,000 है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्वड 15% इज कंसीडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कह रहा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। कह रहा अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स एज फॉलोज। प्रॉफिट हुआ है पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। कैपिटल इन्वेस्टेड इन थ्रू आउट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 4 लाख। कैपिटल 4 लाख है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्वड 15% इज कंसीडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। द रेमुनरेशन भैया फिर आ गया रेमुनरेशन, जब भी रेमुनरेशन आएगा तो प्रॉफिट में तो माइनस होगा। द रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग दिस पीरियड एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख। अब दो तरीके हैं, या तो तीनों सालों के अलग अलग प्रॉफिट में से 1-1 लाख माइनस करो, या पहले निकाल लो एवरेज और उसमें से खाली 1 लाख माइनस कर दो, या तो 2,30,000 में से अलग, 2 लाख में से अलग और 1,70,000 में से अलग 1-1 लाख माइनस करके उसके बाद एवरेज निकालो, या पहले निकाल लो इन तीनों का एवरेज बिना माइनस करे और बाद में जब एवरेज का आंसर आ जाएगा ना उस एवरेज में से 1 लाख माइनस कर दो। ऐसे कह जाए दोनों तरीके सही है, क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। ये रेमुनरेशन दे रखा है कि रेमुनरेशन माइनस करना है, आपको पता है माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 26। आइडियल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10% और बैलेंस शीट दे रखी है आपको एक। ओहो तो बैलेंस शीट दे रखी है,
बैलेंस शीट में अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। अभी तक तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन था, पर अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा निकालना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आधी ये साइड में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल। दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। एक कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाला जा सकता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। वो 11th क्लास के अंदर हम कैपिटल निकालते थे जी, कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला तो वही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। फर्स्ट वाला कैपिटल, जो बेटा रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स भी बिजनेस के मालिकों के होते हैं, तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल होते हैं। समझे जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड में किस किस को शामिल करेंगे? ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, शामिल करेंगे। करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही भाई होता है, उसको भी शामिल करेंगे और रिजर्व्स को भी शामिल करेंगे। इन तीनों सबको जोड़ लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यानी इनके कैपिटल है 2-10 लाख, करंट अकाउंट है 4 लाख और रिजर्व है 3-40। तो यहां पर ऐसे कर सकते हो कैपिटल, अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स। तो अब पहले वाले फॉर्मूले से अगर हम करें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया भाई? कैपिटल है इसका 10 लाख, करंट है इसका 4 लाख, रिजर्व है इसका 3-40, तो ये हो गया 17,40,000। और अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से करें, तुमने बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो भैया एसेट तो हैं कितने 2-30, और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं ये वाली, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 4, 5, 5, 60, 23 में से 5-60 घटा दो, वही आपके 17,40,000। दोनों से सेम ही आंसर आएगा सर, 16,40,000 है। अरे भैया रुक जाओ, कैसा कैसे ना भैया, कैसे आंसर को आंसर में मत जाओ, पता नहीं क्या है। ओके सर, रुको देख ले, रुक कर रुक जाओ एक बार, कुछ सोच ले दो। नीचे इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल क्लोजिंग स्टॉक कैश इन एंड कैश इन बैंक सेंडिंग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक बार बैलेंस शीट का टोटल चेक करता हूँ कि बैलेंस शीट में तो गड़बड़ नहीं है कुछ, 5,00,000, 2,00,000, 3,40,000, 4,00,000, 1,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट डेटर। अच्छा सही है, सही कह रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं होता, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इस वाले में सही फार्मूला होता, टोटल एसेट्स इन्वेस्ट। देखो कैपिटल इंपैक्ट का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब वो है जो पैसा हमने अपने बिजनेस से बाहर लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट वाला पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है, वो आउटसाइड किसी और बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करते। इन्वेस्टमेंट होता है तो माइनस होता है, सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा,
आ गया। अब सुनो, अब आप कर लेंगे, बस बैलेंस शीट का काम इतना ही था कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 16,40,000। अच्छा जी, इनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया इनका 16,40,000 का 10%, 1,64,000। इनका एवरेज प्रॉफिट है कितना, 4,00,000। तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 4,00,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपने 1,64,000 निकाला। दो लाख 36,000 आपको सुपर प्रॉफिट आ गया और गुडविल बराबर होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं ईएस परचेज से, ये बने क्या, कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज है। 2,36,000 को 3 से गुणा कर लो, 7,08,000 रुपए आ गया बेटा, आंसर मैच हो गया। चलो और बताओ, क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला हो गया 29 पे क्वेश्चन पर आ जाओ नेक्स्ट। 29 क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, घर से ट्राई करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं वो हेल्प कर देता हूँ। वरुण एंड करुणा आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर, दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, इट वाज एग्रीड टू शेयर गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4,00,000 है, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ही दे रखी है। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और बाकी तो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, रिजर्व तो है नहीं, बट हम इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट को। इसके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना इस वाले में, ठीक है। आप घर से ट्राई करना इसको, और हो तो प्रॉब्लम तो मुझे बताना आप। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8,00,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज 22,00,000 इज 5,00,000 रिस्पेक्टिवली, इज द कैपिटलाइजेशन मेथड है, गुडविल सुपर प्रॉफिट में। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मैथड ही है, बट आपको फर्म के एसेट गिवन है 22,00,000, लाइबिलिटीज गिवन है 5,60,000। तो यहां पर ना पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। एसेट हैं 22,00,000, लाइबिलिटीज है 5,60,000, सोलह लाख चालीस हजार इनका कैपिटल आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा ₹2,00,000 एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर, जब भी सैलरी 12,000 ईच है, दो पार्टनर है, सैलरी 12,000 ईच है, तो 12 की 12 दूनी 24, तो 24,000 की सैलरी माइनस होगी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 60,000, 72,000, 84,000, तीनों में से 24-24 माइनस कर देना, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे। सुप्रीत एंड शुभम आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइड टू एडमिट आकृति फॉर 1/3 शेयर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ आकृति, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मे बी टेकन एज 15%, एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 है, कर लेंगे बेटा घर से। और 33वें क्वेश्चन में कहता है 1 अप्रैल 2019
ये क्वेश्चन मैं आपको, टाइम क्या हो रहा है अभी देखो, हाँ करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 मैं करा रहा हूँ, समझ लीजिए जरा। ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। इंक्लूडिंग कैश का मतलब है कैश मिलाकर। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बच्चों टोटल एसेट्स कितने हो गए, जरा बताना टोटल एसेट कितने हो गए। 75,000 ही रहेंगे सर। यस, क्योंकि इंक्लूडिंग लिखा हुआ है ना, मतलब बच्चे टोटल एसेट कर देते हैं 80,000। बेटा ये 5,000 जो है ऑलरेडी 75,000 में इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 5,000, इनके क्रेडिटर्स कितने हैं 5,000 है। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ 10,000, फर्म के पास एक रिजर्व भी पड़ा हुआ है 10,000 का। वाइल कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 60,000, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000 है। ये भी गिवन है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, अगर रेट ऑफ रिटर्न 20% है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, फर्म की गुडविल कितनी है 24,000 वैल्यूड। ऑलरेडी गुडविल हमें दे रखी है, फर्म की गुडविल हमें दे रखी है कितनी 24,000। अरे वाह बताओ भैया, गुडविल तो दे रखी है, तो फायदा क्या क्वेश्चन करने का, क्या पूछा है मुझे। कहता है चौबीस हजार परचेज, ये जो कि है 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल जो है 4 years परचेज के अकॉर्डिंग है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अब समझे जरा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो था भैया पहला तरीका कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन में कैपिटल है 60,000, रिजर्व है 10,000। एक तो कैपिटल में ऐसे आ सकता है कैपिटल प्लस रिजर्व। देखो बेटा ये रहा क्रिएटर दे रखे हैं 60,000 का तो रिजर्व है, 10,000 उससे वो 10,000 का रिजर्व है, 60,000 का कैपिटल है। एक तो ये है बेटा, और आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा तरीका। कैपिटल नेट बराबर टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। टोटल एसेट 70,000 है, क्रेडिटर है 5,000, बस क्रेडिटर को माइनस करेंगे, जलेजा को माइनस नहीं करते, रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होता। एक्चुअली में बिजनेस के लिए लाइबिलिटी तो होता है, बट वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होता, रिजर्व जो होता है बिजनेस के मालिकों का होता है। क्या कर दिया, टोटल एसेट है 75,000, लाइबिलिटी थे 5,000, 70,000 बचा। ऐसे निकाल लो 70,000 या ऐसे निकाल लो 70,000, बात एक ही है। ये तो आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आगे कहता है बेटा कि आपको गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म है 24,000 जो कि 4 years परचेज है सुपर प्रॉफिट का। गुडविल 24,000 गिवन है, आपको गुडविल गिवन है 24,000, और सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। गुडविल 24,000 गिवन है, सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, इयर्स परचेज 4 है। यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल लो 6,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है फिर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के स्थान पर 6,000 लिख दो,
एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, बट नॉर्मल प्रॉफिट आपने ऊपर निकाला था, निकाला था क्या? अबे हम तो वही नहीं निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था यहाँ पर पहले। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट ऑफ अर्निंग गुणा 100/100 कर लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का 70,000 है, कितना है रेट ऑफ अर्निंग? 20% है। और यहां पर आप एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के स्थान पर 14,000 लिख दें, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 20,000। क्वेश्चन में हमसे एवरेज प्रॉफिट ही पूछा था, वो हमने निकाल दिया। समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है पूरे क्वेश्चन में? नो सर, नो सर। वेरी गुड। अब एडजस्टमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। आप सुपर प्रॉफिट के सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि एडजस्टमेंट में तीनों मेथड पढ़ाने के बाद इकट्ठा डिस्कस करूंगा और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा शाम को 8-9 बजे तक, तो उसमें से क्वेश्चन कर लीजिएगा सारे, ठीक है जी। अच्छा, मेरी नॉलेज में एक बात आई है कि कुछ स्टूडेंट जो है क्लास वगैरह नहीं ले रहे हैं या क्लास नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमारा भी पिछले ही क्लासेज रह गई है तो ये वाली क्लास हमारी क्या समझ में आएगी। बेटा, ये इस टाइम नया चैप्टर चल रहा है, नया टॉपिक चल रहा है, अगर आप ये वाली क्लास ये वाला छोड़कर पिछला करते जाएंगे ना, तो फिर ये वाला पिछले पेंडिंग बढ़ता चला जाएगा, ऐसा आपका कभी पेंडिंग काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो पिछला तो करना ही करना है और हमें करंट होमवर्क भी करना है। तो आगे से ना मैं आपको जो होमवर्क भी चेक करा करूंगा, किस तरह से वो आपसे व्हाट्सएप मंगा लिया करूंगा, तो होमवर्क टाइम पर करते रहें प्लीज, ठीक है जी। बस बेटा, मैं क्लास ओवर करूँगा।